वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम ये बैनर बनाना सीखेंगे, ये कैनवास बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सिंपल हम photopea.com पे आएंगे और ये न्यू लेंगे। इसमें हम फाइल जो डाइमेंशंस रखेंगे सेम पिछली वीडियो की तरह, और जो बनाया उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये जो वीडियो है वीडियो के आगे से तो हम सीधा पिक्सल की जगह इंच लेंगे यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट जो पिछली वीडियो है उसके आगे से हम आगे शुरू करेंगे काम। शॉर्टकट कीज सारी दिखा दी है मैंने। सेम डाइमेंशंस ली थी हमने पिछली बार की तरह, तो इस बार भी वही रखेंगे। 10 इंच 10 हाइट और रेजोल्यूशन लेंगे 200 लेते हैं, जिससे कि हमारा अच्छी पिक बन सके। वाइट बैकग्राउंड और मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो पिछली वीडियो में जो शॉर्टकट कीज देखी थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछली वीडियो वो पीस है इस वीडियो को आगे और हम कैसे उस पर काम करेंगे इस वीडियो में ये सीखेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक जरूर मिल जाएगा, जिसमें हमने पीछे का काम, बैकग्राउंड वगैरह कैसे बनाई है। तो आज की वीडियो में ये सीखेंगे टेक्स्ट और एक इमेज को कैसे फेच कर सकते हैं अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्ट को, ये देखेंगे और हम सब कैसे करेंगे। तो चलते हैं, अपने क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया क्रिएट। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो भी ऊपर होगा कलर वो ही फिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट डिलीट कर रही हूँ क्योंकि ब्लैक कलर ही ऊपर है, राइट। अब यहाँ से हम एक और फाइल पे जाके जो हमने बनाई थी इमेज उसको ओपन एंड प्लेस क्लिक करके डाउनलोड्स पे जो इमेज हमने ये पैक बनाई थी इतना हम बना चुके हैं। अब इसको हम साइज छोटा कर लेते हैं ऑल्ट शिफ्ट दबाते हुए। जिस ऑल्ट शिफ्ट इसलिए बताया था जिससे कि चारों कॉर्नर से इक्वली साइज छोटा हो, राइट। तो ये हो गया। मूव टूल से हम इसको मूव कर लेंगे। ये हमने मूव करा लिया इसे। अब हम एक और फाइल एंड प्लेस पे ओपन एंड प्लेस पे नेक्स्ट इमेज लेंगे। और यहाँ से ये इमेज सेलेक्ट कर रही हूँ मैं। ये मैंने सिंपल गूगल से डाउनलोड की है ये इमेज, लेकिन जब हम इमेज डाउनलोड करते हैं तो काफ़ी इसको भी हम ऑल शिफ्ट से बड़ा कर लेते हैं।
राइट, और पेन मूव टूल से इसे मूव कराएंगे। तो ये इमेज जो है थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। इसको दोबारा हम ट्रांसफॉर्म कंट्रोल सकर करते हैं, तो ये ऑल्ट शिफ्ट से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसे दोबारा मूव करेंगे, आप देखेंगे जो पीछे की इमेज है वो हमें बैकग्राउंड हटानी है। इसको हम कई तीन चार तरीके से कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड, यहाँ से मैं ट्रांसफर कंट्रोल्स अनटिक कर देती हूँ और इसको मूव करा रही हूँ, तो ये बन गया मेरा। राइट, अभी इमेज थोड़ी मुझे बड़ी लग रही है, तो ट्रांसफर कंट्रोल्स पे जाके थोड़ा सा इसका साइज और छोटा करती हूँ मैं ऑल्ट शिफ्ट दबाते हुए। नाउ इट्स ओके। तो हम इसकी ऑब्जेक्ट को कैसे फैच कर सकते हैं, डिजायर ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर इमेज से, तो उसका तरीका मैजिक वॉन्ड से भी है। और इसमें हम पेन टूल के थ्रू करेंगे। पेन टूल के थ्रू ऑब्जेक्ट को फैच करेंगे, तो आप ऑब्जेक्ट पेन टूल का यूज़ करना सीख जाएंगे जो कि बहुत रियल तरीके से होता है। मैं यहाँ पे अब पेन टूल पे क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही पेन टूल पे क्लिक करूँगी तो देखेंगे पेन टूल का ऑप्शन आ गया, ये पेन टूल आ गया। पेन टूल में हम शेप ना लेके पाथ लेंगे, यूनाइट की जगह एक्सक्लूड करेंगे और यहाँ पे अपना पहला क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक। अब जहाँ जहाँ पे राउंड है ध्यान से करेंगे, बहुत कर्व्स पे, ज़्यादा जल्दबाजी ना करते हुए। जितने छोटे छोटे आप स्टेप्स लेंगे उतना अच्छा कटआउट बनेगा। इसको हम मैजिक वॉन्ड से भी करेंगे लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम पेन टूल से करना सीखते हैं जिससे बहुत अच्छे से क्लैरिटी आती है। आप कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स भी फैच कर सकते हैं पेन टूल के थ्रू। अगर आपका कुछ ख़राब हो तो आप कंट्रोल जेट कर सकते हैं। ज़्यादा पीछे जाना तो कंट्रोल जेट और ऑल्ट दबा के इमेज को जूम करने के लिए, ये जूम है, सिंपल आप जेट दबाएंगे
या इस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर जूम करूँ और दोबारा से अब हम पेन टूल पे क्लिक करेंगे कंट्रोल जेड, यहाँ नीचे क्लिक कर रही हूँ मैं, फिर राइट पे, फिर अब ऊपर, इसको हम दोबारा जूम लेंस पे क्लिक करेंगे, अब की बार माइनस का साइन लेंगे, और यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। दोबारा पेन टूल पे क्लिक करेंगे तो ये पेन ऑप्शन आ गया। आप कीबोर्ड से भी जूम और माइनस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस तो ये बस हो गया है हमारा। अब ये आप यहाँ पे देखेंगे हमारी लेयर, लेयर्स चैनल्स एंड पाथ्स, पाथ्स पे क्लिक करूँगी मैं, वर्क पाथ आ गया। इस पे आपको फोर ऑप्शंस मिलेंगे, डिलीट लेयर, न्यू लेयर, सिलेक्शन टू पाथ और सिलेक्शन, राइट। मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूँगी, ये सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद मैं सेलेक्ट पे जाऊंगी, मॉडिफाई के अंदर फैदर रखूंगी, 1 पिक्सल का ओके कर रही हूँ। एक दो तीन, तीन लेयर्स
और जैसे ही मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूंगी तो आप देखेंगे ये 3 से 4 लेयर हो जाएंगी, कटआउट बन के आ जाएगा। तो ये हमारी 4 लेयर बन चुकी है। तो मैं ये दिखा देती हूँ इसकी, इस लेयर को क्लोज करके। ये देखिए ये 4 लेयर हो चुके हैं। तो इस लेयर को हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर दिया यहाँ से। अब हम मूव टूल से, ये देखिए अगर मैं ये मूव टूल से इस ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना चाहूँ, ये मूव हो रहा है ये ऑब्जेक्ट, और सिमिलरली हमारा पीछे का ऑब्जेक्ट भी मूव हो जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट माइनस से देख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। परफेक्ट। अब हम इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल दबा के, लेयर 1, लेयर 2 और बैकग्राउंड। राइट क्लिक करेंगे, फ्लैटन इमेज पर क्लिक करूंगी, तो ये देखिए तीनों लेयर्स एक में हो गई हैं। तो अब मैं इसको मूव करती हूँ, ये मूव नहीं होगा। कंबाइन हो गई हैं। सिंपल अब यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे हम, तो आप देखेंगे टेक्स्ट का ऊपर भी खुल चुका है और टेक्स्ट की लेयर भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जिसका मैं फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहूँगी। और पिक्सल लेंगे, कलर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अपना पिक्सल ले लेते हैं, इसके 150 पिक्सल कर ले लेते हैं हम। इतने एरिया में हम टेक्स्ट लिखेंगे, राइट।
आ गई। ये ब्लॉक ड्रॉ करते ही और इस पे हम लिखते कोई कोट ले सकते हैं लाइक दी, हमारा जो कोट था दी ट्रबल इज यू थिंक यू हैव टाइम। ये थोड़ा ज़्यादा फैंसी लग रहा है, इस फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ, लेट्स टेक इट वेरी सिंपल, जो बहुत ही सिंपल हूँ। जो बहुत ही रीडेबल हो, लेट्स ट्राई दिस। फैंसी नहीं रखेंगे, सिंपल रखेंगे। राइट, इसको मैं सिंपल रखना चाहूँगी और इसको मैं यहाँ पे की और कैपिटल के है ये स्पेस, और इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं।
ये हमारा हो चुका है। अगर आपको और भी टेक्स्ट में ऐड करना है, सिंपल टेक्स्ट राइट करें, डबल क्लिक करें, यहाँ ऑप्शन का ऑप्शन सेलेक्ट, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, इनर शेडो, आउटर शेडो के ऑप्शंस आएंगे। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब यहाँ मैं इसको में लेके टेक्स्ट पे इफेक्ट्स दिखाती हूँ, देखिए यहाँ स्ट्रोक पे टिक कर रही हूँ, ये देखिए इसका जो कलर का टेक्स्ट की जो आउटलाइन है वो रेड हो गई है, और इसमें कोई दिखा देती हूँ मैं एक बार, आउटर ग्लो पे टिक करते हैं, आउटर ग्लो पे भी टिक हो गया है। इनर शेडो ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं टेक्स्ट पे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, एनी डाउट देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो हम यहाँ पे इनर शेडो अभी हटा रहे हैं। एंड प्रेस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स, एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम बिल्कुल जैसे वैसे किया था दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर फ्लैटन कर देंगे। तो ये पूरी एक लेयर बन चुकी है, इसको हम फाइल पे जाके सेव कर लेंगे एक्सपोर्ट एस। So hope you like this video. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. And do share your feedback in the comment section. Bye bye. Take care.